हिंदी मूवी वेलकम टू वेडिंग के प्रमोशन के लिए बॉलीवुड अभिनेता कुमार चेतन रॉय बिहार शरीफ के कुमार सिनेमा पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने जिले वासियों को इस मूवी को देखने की अपील करते हुए कहा कि करीब 18 करोड़ की लागत से इस फिल्म को बिहार के ही रहने वाले आनंद राउत ने डायरेक्ट किया है। हिमाचल प्रदेश, मुंबई समेत अन्य मनोहर लोकेशन पर शूट की गई है। मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव कॉमेडी के साथ भरपूर मनोरंजन की यह मूवी है। 2.5 घंटे तक आप बिना बोर हुए परिवार के साथ सिनेमा घरों में देख सकते हैं। इस फिल्म की अभिनेत्री राखी राउत और अभिनेता दर्शन जारी वाले हैं। उन्होंने बताया कि अरिजीत सिंह के साथ उनकी अगली एल्बम पोहू जल्द ही आने वाली है। इस मौके पर उनके साथ सेल्फी खिंचाने के लिए लोगों में आपाधापी मची रही। वेलकम वेडिंग का आज प्रमोशन हुआ, इसमें आप क्या कहना चाहिए, क्या इसका? मैं ये कहूँगा कि खुशी की बात है कि बिहार में आया और इस फिल्म के प्रमोशन के लिए आया, नालंदा में आया जिस शहर का इतना हिस्टोरिकल वैल्यू है। सौभाग्य की बात है इतनी बड़ी फिल्म में वेलकम वेडिंग में मैंने गेस्ट हीरो का रोल किया, मेरे लिए भी सौभाग्य है। और साथ ही साथ राजपाल यादव जी, लेजेंड ऑफ कॉमेडी, राखी सावंत, दर्शन जारीवाला, और स्टोरी बड़ी अच्छी है, फैमिली के साथ देखने लायक स्टोरी है। इसमें हाईलाइट में राजपाल जी हैं, राखी सावंत है और जावेद अली जिन्होंने पुष्पा में तेरी झलक शर्फी बहुत हिट गाना गाया था, उन्होंने इस फिल्म में भी अपने बेहतरीन गाने गाए हैं। तो ऐसा वसूल है ये फिल्म। फिल्म का स्टोरी प्लॉट क्या है? फिल्म का स्टोरी प्लॉट कुछ ऐसा है कि जब बाप बेटे लोग के बीच में दूरी बनती है, तो इस फिल्म को स्टोरी कुछ ऐसे बनाया गया है कि बाप बेटे आज के दौर में जैसे दूर जा रहे हैं, दूसरे से बात नहीं करते, थोड़ा सा एक झिझक है, डिफरेंस है, वो दूर करती हुई एक बहुत प्यारी सी मनमोहक सी स्टोरी है जो बाप बेटे को करीब लाती है और लाइफ की बातों कहती है इन अ फुल कॉमेडी वे। हंसते हंसते पेट दर्द होगा आप अगर ये फिल्म देखें। राखी सावंत जी रियल लाइफ में जैसी हैं, उन्होंने उनको एज इट इज रखा गया है, तो बेबाक, बिंदास, दिल साफ राखी जी इस फिल्म में। इसमें आपका क्या रोल? मैं इसमें गेस्ट हीरो हूँ। इस फिल्म का जो मेन आइटम सॉन्ग है, प्रमोशनल गाना है, उसमें एज ए हीरो आ रहा हूँ, बेहतरीन स्टेप दे रहा हूँ, स्टेप ले रहा हूँ, लोगों को एंटरटेन कर रहा हूँ, कुछ डायलॉग है, कुछ स्टाइलिंग है करके फिर मैं आप लोगों को गुड बाय करके चला जाता हूँ। माया नगरी में आप कैसे अपना ये स्टारडम किए? माया नगरी में देखिए अच्छे बिहेवियर से, लोगों को प्यार से, बड़े छोटों को इज्जत दे करके और तमीज़ में, तहजीब में रह के ये मुकाम हासिल किया। बिहेवियर का बड़ा मायने रखता है, अच्छा बिहेवियर होने से आप सक्सेस होते हैं। नालंदा आके आपको कैसा फीलिंग हो रहा है? नालंदा आके बहुत अच्छा लगा, हिस्टोरिकल शहर है, देश के प्रकांड विद्वान पंडित नाम के बहुत नामी लोग इस शहर से हैं, तो सौभाग्य है। दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? दर्शकों कहना है कि आइए, आज की डेट में जो फिल्म आ रही है आप परिवार साथ नहीं देख सकते, ये फिल्म आप परिवार के साथ देख सकते हैं। कॉमेडी है, पारिवारिक कॉमेडी और बाप बेटे का रिश्ता जो है, आप देखोगे आपका दिल को छू जाएगा कि हाँ ये फिल्म देखने लायक है। क्या हॉलीवुड में क्या है कि बाप बेटे के साथ फिल्म नहीं देख सकते हैं? लेकिन